दोस्तों, अगर आप भी आईफोन में नोटिफिकेशन से कुछ परेशान हैं, ऐसे आपका जो नोटिफिकेशन है वो लॉक स्क्रीन पे दिख जाता है और आप इसे हाइड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारे आईफोन में नोटिफिकेशन को हाइड करने के लिए या फिर डिसेबल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है उससे आप यहाँ पर अपने आईफोन में जो भी नोटिफिकेशन है उसे कम्प्लीटली डिसेबल कर सकते हैं या फिर आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का भी डिसेबल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शो प्रीव्यूज का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलवेज, व्हेन अनलॉक्ड और नेवर का तीन ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो अभी क्या आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी नोटिफिकेशन मेरा जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। वहीं अगर मैं व्हेन अनलॉक्ड कर दूं, तो व्हेन अनलॉक्ड करने के बाद जब मैं यहाँ पे अपने फोन को लॉक कर दूंगा तब मुझे ये कोई नोटिफिकेशन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब नोटिफिकेशन तो दिखेंगी लेकिन उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा। इस नोटिफिकेशन में मुझे क्या मैसेज वगैरह मिला है वो सारी चीज देखने के लिए मुझे अपने आईफोन को अनलॉक करना होगा। जैसे मैंने अपने आईफोन को यहाँ पे अनलॉक किया और जो मेरा मैसेज है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। तो उसके लिए यहाँ पे विन अनलॉक फीचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे कम्प्लीटली हाइड करना चाहते हैं कि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो दिखे ही ना कि क्या मैसेज वगैरह मुझे आया हुआ है, तो आप यहाँ पर नेवर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सिर्फ ऐप दिखेगी कि हाँ, इस ऐप से मुझे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन क्या है वो चीज नहीं दिखेगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस एप्लीकेशन की कम्प्लीटली सारे नोटिफिकेशन को ही क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाना होगा और नोटिफिकेशंस में आने के बाद आपको उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ मैसेजेस है तो मैं मैसेजेस पे टैप करूंगा और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है उसे कम्प्लीटली यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा। जैसे डिसेबल करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन मेरा शो नहीं हो रहा है। अब कोई भी नोटिफिकेशन मुझे मैसेज से रिलेटेड आएगी तो वो मेरे लॉक स्क्रीन पर या फिर होम स्क्रीन पर दिखेगा ही नहीं। अगर फिर से आप इसे इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन में आइए और उस एप्लीकेशन में आने के बाद उसे अलाउ कर दीजिए और अलाउ करने के बाद फिर से आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन में सारे नोटिफिकेशंस को कम्प्लीटली डिसेबल कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। वैसे अगर आप आईफोन में बिल्कुल नए हैं और आपको ऐसे ही आईफोन रिलेटेड मजेदार टिप्स और ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो अभी टेकी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो कृपया इसे चेक कर लें।